तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं श्री अनूप अग्रवाल, जो कि प्री स्कूल एसोसिएशन लखनऊ के प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ हैं श्री तुषार चेतवानी जी, जो कि प्री स्कूल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और साथ ही में हैं यशी तिवारी जी, जो कि लिटिल मिलेनियम कृष्णानगर की प्रिंसिपल हैं। तो अनूप जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं जानना चाहूँगा, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ प्री स्कूल एसोसिएशन, आज आपको प्री स्कूल बिजनेस में कौन सी चैलेंजेस मेजरली दिखाई पड़ रही हैं? सबसे बड़ा चैलेंज एक प्री स्कूल के लिए कोविड के समय में ये है कि 2 से 6 साल तक के जो टॉडलर्स हैं उनके पेरेंट्स को ये कन्विंस कर पाना कि अगर ऑनलाइन ही एक विकल्प बचा है तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई बीच में बाधित ना करें, उनको चालू रखें, और अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है स्कूल खोलना तो आप अपने बच्चे को सेफली हमारे पास भेज सकते हैं। लेकिन हम लोग के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको वो कन्विंस नहीं हो पाते, उनको लगता है कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, साल भर अगर नहीं पढ़ेगा, 2 साल नहीं पढ़ेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, 2 साल बाद पढ़ाई चालू कर लेगा। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय हमारे साथ यही है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है, मीडिया का सपोर्ट। आप शायद एक पहले चैनल हैं जिनका सपोर्ट हम लोगों को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से मिल पा रहा है, नहीं तो किसी भी मीडिया ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है, प्री स्कूल्स के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। तुषार जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो पेरेंट्स का जो कंसर्न है, उनका ये कहना है कि देखिए बच्चों को अब हम पूरी तरीके से तो भेज नहीं पा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो रोल है घर पर वो भी तो बढ़ जा रहा है। पहले ये था कि भाई पेरेंट्स प्री स्कूल में छोड़ देते थे, स्कूलिंग जब आप लोग जो पहले जो तैयारियाँ जो कर रहे हैं वो वहाँ पर होती चली जाती थी, तो पेरेंट्स का जो घर पर जो रोल होता था बच्चों के देखभाल में वो भी कम होता था। आज ये हो जा रहा है, पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं और पेरेंट्स स्कूल भी भेज रहे हैं, उसके ऊपर उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि प्री स्कूल को भी समय थोड़ा समझना पड़ेगा? मैं सब की बात एक जैसे नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि आप एसोसिएशन से हैं, हर एक प्री स्कूल की अपनी एक फीस, एक अपना फीस स्ट्रक्चर है, तो मैं ये कहूँगा कि सबके फीस स्ट्रक्चर एक बराबर भी नहीं है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। जिन्होंने कंट्रोल कर लिया उनसे तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन जिन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर कंट्रोल नहीं किया तो पेरेंट्स का प्रश्न है, व्हाई शुड बी बियर द ब्रंट? ओके, सो इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए, एक प्री स्कूल जो हमारा है, प्री स्कूल को कहीं पे भी किसी भी जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। वी आर रनिंग एज इंडिविजुअल्स। हमारा रेंट भी है, बिकॉज 90% ऑफ द प्री स्कूल्स आर रनिंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन। हमारी टीचर्स भी हैं। टीचर्स की सैलरी हम कैसे डिडक्ट करते हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो हमारी एक्चुअली रन कर रही हैं। अगर ऑनलाइन की क्लास की बात किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बंद पड़ा है, बट हमारा जो रेंट है, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमारी सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्टली उतनी की उतनी है। पेरेंट्स का भी कंसर्न ठीक है कि घर बैठ के उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे प्री स्कूल और फॉर्मल स्कूल में बहुत फ़र्क है। फॉर्मल स्कूल की जो स्ट्रेंथ है, मतलब कितने बच्चे एक फॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, हर एक स्कूल में लगभग जितने बच्चे पहले पढ़ रहे थे आज भी उतने ही बच्चे पढ़ रहे हैं। प्री स्कूल में ऐसा नहीं है। 99% प्री स्कूल ऐसे हैं जिनकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती थी वो स्ट्रेंथ घट गई है, बिकॉज जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट सर ने कहा कि पेरेंट्स अभी कन्विंस नहीं हैं कि भेजें कि ना भेजें, उसमें डलाइमा में है। सो कई सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। हमारे अगर 25-30% स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है तो हमारे रेवेन्यूज भी तो कम हो गए। हाउ वी आर सस्टेनिंग, वी ओनली नो। सो और बिलीव मी, पेरेंट्स ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं पूरी तरीके से कि हाँ, जितनी फीस हम पे कर रहे हैं हमें उस तरीके की सर्विसेज मिल रही हैं। सो हमारी एसोसिएशन में जितने भी पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जिसमें उन्होंने डिमांड की हो हम लोगों से कि फीस को कम की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तुषार जी, ऐसा नहीं लगता कि डिमांड तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी दिक्कत आ रही है। कई ऐसी जगह हुई जहाँ पे लोगों की नौकरियाँ तक चली गई, बिल्कुल पूरी तरीके से सैलरी नहीं मिल पाई, बिल्कुल, तो पेरेंट्स को भी दिक्कत है। हाँ, वहाँ पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट्स को एक रिलैक्सेशन ज़रूर दी है, रिलैक्सेशन टाइम की, कि अगर आपकी इस महीने ड्यू है, आपको किसी भी कारणवश टेम्प्रेरी प्रॉब्लम चल रही है,
तो आप हमारे स्कूल को इन्फॉर्म कीजिए और हमारे स्कूल से आपको टाइम मिलेगा। अगर आज आपकी ड्यू है, आपके बच्चे की फ़ीस नहीं पेड है, तो हम आपको विड्रॉ नहीं करा रहे, हमारी सर्विसेज कंटिन्यूड रहेंगी, बट आपकी तरफ से एक कम्युनिकेशन आ जानी चाहिए, हमारी तरफ से उतने दिन का आपको एक गैप मिल जाएगा। बट हाँ, रिड्यूसिंग द फीस इज़ नॉट द सोल्यूशन। पहले से ही आप देख रहे हैं 1200 लगभग प्री स्कूल लखनऊ में थे, जिसमें से 1000 के आसपास बंद हो चुके हैं। अगर जो 200 सस्टेन कर रहे हैं किसी तरीके से, वो भी अगर फीस स्ट्रक्चर अपना कम कर दिए, तो मुझे लगता है वो भी बंद हो जाएंगे। और फिर आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके बच्चे को भी तो प्री स्कूल ही आना है, राइट? तो जी, ये बात बिल्कुल सच है कि जहाँ पे एक तरफ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पेरेंट्स स्पेशली जो लोग बिजनेस हाउसेस में हैं या किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं या जो खुद व्यवसायी हैं जिनकी बिजनेसेस बंद हो गई या समय के लिए कुछ समय के लिए उन्होंने शटडाउन करना पड़ा या किसी की नौकरी चली गई, उन पेरेंट्स को बहुत बड़ी समस्या आती है जब फीस की बात आती है। लेकिन तुषार जी का ये कहना बिल्कुल मेरे ख्याल से वाजिब है कि एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि प्री स्कूल बिजनेसेस जो सस्टेन कर पा रही हैं, काफ़ी प्री स्कूल्स बंद हो गई और अच्छे ब्रांड्स बंद हो गए, तो ये एक चैलेंज बना रहेगा, क्योंकि कल के दिन में अगर प्री स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो क्या पेरेंट्स तैयार हैं अपने बच्चों को वही तैयारी देने में जो आज के दिन में ये बड़े ब्रांड जो प्री स्कूल करके यहाँ पे पनपे थे, क्या वो रोल आप घर पे बैठे अदा कर सकते हैं? तो बात बिल्कुल सही है, जहाँ पे प्री स्कूल्स का ये प्रश्न पूछना कि आखिर हम अपनी संस्था को चलाएं कैसे, तो दूसरी तरफ बहुत जरूरी बन जाता है कि पेरेंट्स से बात करना, पेरेंट्स से पूछा जाए कि उनकी समस्या क्या है, आखिर बच्चों को प्री स्कूल की वाकई दरकार है कि नहीं। तो आइए बात करते हैं पेरेंट्स के साथ, आखिर क्या परेशानी है। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने से जो डर रहे हैं, चलिए कोरोना तो समझ में आती है बात, लेकिन क्या वाकई डर रहे हैं या बात कोई और है? मैं विदिशा शर्मा, मेरा बेटा 4 साल का है, तो एक 4 साल के बेटे की माँ होते हुए मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से बहुत सारे डर लोगों के मन में थे, एज अ पेरेंट मेरे मन में भी बहुत सारे डर थे। मेरा सबसे पहला डर ये था जब मैंने अपने बेटे को देखा, जब एक 4 साल का बच्चा अपनी दुनिया जान रहा होता है, समझ रहा होता है, तब उसको एक घर के अंदर 4 दीवारी में बंद करके रख लिया गया। उसकी एक जो सेल्फ इमेज होती है, वो लोगों से इंटरेक्ट करके, चाहे वो उसके दोस्त हो, चाहे वो उसकी टीचर हो, चाहे वो उसके स्कूल का माहौल हो, वो उसकी पर्सनालिटी को बनाता है। और जब मेरे बेटे के ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ईयर्स थे, ये कोरोना, ये पेंडेमिक और सारी चीज़ें, सारे चैलेंजेस सामने आ गए। फिर बात आई ऑफलाइन या ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के थ्रू हाँ, मेरा बेटा ABCD 1-2-3 शायद पढ़ सकता है, पर जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर हम एजुकेशन की पर्टिकुलरली बात करें, तो एजुकेशन का मतलब शायद सिर्फ लैंग्वेजेस लर्न करना या अरिथमेटिक लर्न करना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब है अपने बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनाना और उसके साथ ही दुनिया में बाहर कदम रखने के लिए प्रिपेयर करना। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें। जी, पहले अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम लक्ष्मण है और मेरी बेटी 6 साल की है, उसका नाम दर्शी है। और मैम से मैं बहुत ज़्यादा हद तक सहमत हूँ कि सेफ्टी ज़रूर एक पॉइंट ज़रूर रखती है, लेकिन किस कॉस्ट पे? वो कॉस्ट उसके डेवलपमेंट से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है, क्योंकि मेरा ये ब्रेन और दीज माइंड को लेकर के काफ़ी अच्छा मेरा स्टडी रहा है और मेरा ये सब्जेक्ट भी रहा है, तो मेरा मानना यह है कि एक बच्चे का जो विकास बोला जाता है, जो रिसर्चेस कहती है, हमारी रिसर्च कहती है कि एक बच्चा जब 6 साल का हो जाता है, तब तक उसका 90% का जो ब्रेन होता है वो डेवलपमेंट हो चुका होता है। अब हमारे पास सिर्फ 10% के लिए ही चांसेस रहते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 साल का पीरियड है, उस समय हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो कहाँ पे रहे? हम चाहते हैं कि वो हमारे घर के उस लिमिट में रहे, उस बाउंड्री में रहे, जहाँ पे उसके साथ एक लिमिटेशन आती हैं, वो एजुकेशन हो, वो लर्निंग को लेकर के हो, वो किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा इसको डीप ले जाना चाहूँगा। एक बच्चा जब पैदा होते हैं तो उसके साथ कुछ एक उसके साथ जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। अगर एक बच्चा जब एक प्ले स्कूल में जाता है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो एक कहावत है, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो कहते हैं प्ले इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च।
तो अगर हम प्री स्कूल की बात करें तो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम अपनाया जाता है दैट इज़ अ प्ले वे, मतलब खेल करके सीखना। और हम कर क्या रहे हैं, हम उसको एक किसी ने हमारे मन में डाल दिया है, और इनफैक्ट मन में नहीं बोलेंगे एक सिचुएशन है ही ऐसी, लेकिन हम वो सिचुएशन भूल जाते हैं जब हम उसको एक शादी में ले जाते हैं, एक मॉल में ले जाते हैं, उसको कहीं मार्केट में ले जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे माइंड में नहीं रहता है। हमने एक चीज़ का सहारा लिया हुआ है जिसके बाद हम ये कहते हैं कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे वो किसी भी कारण की वजह से। नहीं लक्ष्मण जी, वो बात तो समझ में आती है। नहीं आपकी बात ये बिल्कुल समझ में आती है जो आप कह रहे हैं कि नहीं क्यों भेजना चाहिए, और आप उस, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। अगर बात अगर यही होती, अगर सब पेरेंट्स अगर आप जैसे सोचने लगते हैं, कहीं पे वो न्यूरॉन्स और प्रोटॉन्स पे ज़्यादा सोचते और ओमिक्रॉन पर कम, तो शायद ये जो प्री स्कूल्स, अभी आपने सुना कि 1200 प्री स्कूल्स में से 1000 बंद होने के कगार पर है, तो ये तो पॉइंट पर हम लोग नहीं आते ना, आज इस यहाँ पर आके नहीं खड़े होते, इस समस्या पर नहीं होते। और ये जो डिस्कशन है दोस्तों, ये इसी वजह से है, क्योंकि चीज़ें क्या है, पेरेंट्स इस बात को कहीं ना कहीं जब आपस में बैठते हैं, सोसाइटी में बैठते हैं, तो बिल्कुल इस बात पर जोर देते हैं कि हाँ प्री स्कूल्स इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी अपने बच्चे को घर में बांध के नहीं रखना चाहता। लेकिन हकीकत में दोस्तों ऐसा होता नहीं है, हो कुछ और रहा है। होता यह है कि जब बच्चा थोड़ी देर के लिए साइकिल लेके भी अगर बाहर जाना चाहता है तो हमें डर लगता है, हम उसे निकलने नहीं देते। हम भूल जाते हैं कि हम अपने मित्रों से मिलने के लिए तुरंत मोटरसाइकिल उठाते हैं, स्कूटर उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली बच्चों के साथ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे कई सोसाइटीज देखी है, मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ आसपास के घरों में वो बच्चों को बगल के घर में जाने से रोक देते हैं, वहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन खुद चाहे तो आप भजन कीर्तन के नाम पर कह लें, चाहे सत्संग के नाम पर कह लें, चाहे रिलीजियस हो चाहे नॉन रिलीजियस हो, किसी भी अफेयर में बाहर जाना भी होता है, लोग जा भी रहे हैं। कोई एक मंदिर बताइए दोस्तों जहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिखाई देती आज, कोई ऐसा मॉल बताइए जहाँ पे भीड़ नहीं दिखाई देती, कोई ऐसी शादी ब्याह बताइए जहाँ पे आज भी 200 के नीचे भीड़ में एक शादी पूरी तरीके से सफल तरीके से किया जा रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। सरकार कहती रहती है 50 के ऊपर भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या मानते हैं, नहीं मानते। तो सवाल इसी जगह पे है, क्या होना चाहिए ऑन द प्रिंसिपल, वो एक बात है, लेकिन हो क्या रहा है? अगर ऐसी बात होती तो प्री स्कूल इस कगार में नहीं होते, आज प्री स्कूल एसोसिएशन इसको लेके नहीं लड़ रही होती कि भाई हमारा भी तो साथ दीजिए। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ तुषार जी? हर एक स्कूल में लगभग जितने बच्चे पहले पढ़ रहे थे आज भी उतने ही बच्चे, प्री स्कूल में ऐसा नहीं। 99% प्री स्कूल ऐसे हैं जिनकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती थी वो स्ट्रेंथ घट गई, बिकॉज जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट सर ने कहा कि पेरेंट्स अभी कन्विंस नहीं हैं कि भेजें कि ना भेजें, उसमें डलाइमा में है। सो कई सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं हमारे। अगर 25-30% स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है तो हमारे रेवेन्यूज भी तो कम हो गए। हाउ वी आर सस्टेनिंग, वी ओनली नो। सो और बिलीव मी पेरेंट्स ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं पूरी तरीके से कि हाँ जितनी फीस हम पे कर रहे हैं हमें उस तरीके की सर्विसेज मिल रही हैं। सो हमारे एसोसिएशन में जितने भी पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जिसमें उन्होंने डिमांड की हो हम लोगों से कि फीस को कम की। लेकिन उसके बावजूद भी तुषार जी, ऐसा नहीं लगता कि डिमांड तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी दिक्कत आ रही है। कई ऐसी जगह हुई जहाँ पे लोगों की नौकरियाँ तक चली गई हैं या पूरी तरीके से सैलरी नहीं मिलता, तो पेरेंट्स को भी दिक्कत है, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे? देखिए वहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट्स को एक रिलैक्सेशन ज़रूर दी है, रिलैक्सेशन टाइम कि अगर आपकी इस महीने ड्यू है, आपको किसी भी कारणवश टेम्प्रेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप हमारे स्कूल को इन्फॉर्म कीजिए और हमारे स्कूल से आपको टाइम मिलेगा। अगर आज आपकी ड्यू है, आपके बच्चे की फीस नहीं पे रहे, तो हम आपको विड्रॉ नहीं करा रहे हैं, हमारी सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी, बट आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आ जानी चाहिए, हमारे तो उतने दिन का आपको गैप हो जाएगा। बट हाँ, रिड्यूसिंग द फीस इज़ नॉट द सोल्यूशन। पहले से ही आप देख रहे हैं 1200 लगभग प्री स्कूल लखनऊ में थे, जिसमें से 1000 के आसपास बंद हो चुके हैं। अगर जो 200 सस्टेन कर रहे हैं किसी तरीके से, वो भी अगर फीस स्ट्रक्चर अपना कम कर दिए, तो मुझे लगता है वो भी बंद हो जाएंगे और फिर आपके बच्चे कहाँ जाएंगे।
आपके बच्चे को भी तो प्री स्कूल ही आना है। सबसे बड़ा चैलेंज एक प्री स्कूल के लिए कोविड के समय में ये है कि 2 से 6 साल तक के जो टॉडलर्स हैं उनके पेरेंट्स को ये कन्विंस कर पाना कि अगर ऑनलाइन ही एक विकल्प बचा है तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई बीच में बाधित ना करें, उनको चालू रखें, और अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है स्कूल खोलना तो आप अपने बच्चे को सेफली हमारे पास भेज सकते हैं। लेकिन हम लोग के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको वो कन्विंस नहीं हो पाते, उनको लगता है कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, साल भर अगर नहीं पढ़ेगा, 2 साल नहीं पढ़ेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, 2 साल बाद पढ़ाई चालू कर लेगा। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय हमारे साथ यही है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है, मीडिया का सपोर्ट। आप शायद एक पहले चैनल हैं जिनका सपोर्ट हम लोगों को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से मिल पा रहा है, नहीं तो किसी भी मीडिया ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है, प्री स्कूल्स के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। तो मैम, जैसे कि आपने पेरेंट्स को सुना कि उनका भी ये कहना है, कुछ पेरेंट्स का मानना है कि हाँ प्री स्कूल जरूरत तो है, जाना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी आता है, क्या वाकई प्री स्कूल्स अपने सैनिटाइजेशन पर और बाकी सारी चीज़ों पर उतना ध्यान रख पा रही है? एक बच्चों का लॉट भेजने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन सा बच्चा किस घर से कौन सी बीमारी लेके आता है किसी को नहीं पता। एक ओमिक्रॉन लेके बच्चा अगर आपके आज प्रीमाइसिस में चला आता है और उसने दूसरे को फैलाया, दूसरे के घर में कोई ऑलरेडी कोई बीमार कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, तो ये प्रॉब्लम तो वहाँ पे दिखाई देती है। तो इसमें आप सुरक्षा तो गारंटी कर नहीं सकते, आप अपने तरफ से बेस्ट कुछ तैयारियाँ कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा चैलेंज ये भी बनता जा रहा है कि आप कोई श्योरिटी तो दे नहीं सकते हाइजीन की? हाँ डेफिनेटली सर, श्योरिटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, बट एक चीज़ काम करती है, दैट इज़ ट्रस्ट फैक्टर। वेयर एंड हमने अपनी गाइडलाइंस हर एक पेरेंट को बता रखी है कि अगर आपके घर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोल्ड है, कफ है या फीवर में है, वन फर्स्ट डे से अगर फीवर में है, प्लीज़ डोंट सेंड योर चाइल्ड टू अस, क्योंकि जितना बच्चे हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, उतने इम्पॉर्टेंट एज अ प्री स्कूल ओनर हमारे लिए हमारा स्टाफ भी है, चाहे वो मेड्स हों चाहे वो टीचर्स हों। तो ये एक ट्रस्ट के ऊपर काम चल रहा है अभी तक तो। लेकिन मैम एक चीज़ और भी है, सोचिए एक बच्चे ने थोड़े से सिम्टम शो किए या किसी को कॉमन कोल्ड है, आप मेडिकली फिट नहीं है कि आप ये बता सकें कि वो ओमिक्रॉन है कि कॉमन कोल्ड का, एग्जैक्टली राइट या और आरटीपीसीआर कलेक्शन भी इतना आसान नहीं है कि हर जगह आप कर सकें, तो इस चैलेंज से आप कैसे लड़ेंगे, आपको क्या दिखता है? सर ऑब्वियसली अगर ऐसा कभी हुआ नहीं है और भगवान करे कभी हो भी नहीं, बट अगर हमें ये पता चलता है कि द चाइल्ड और समवन देयर इन द फैमिली वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम, हम इमीडिएटली स्कूल को क्लोज करेंगे फॉर अनदर 14 डेज। राइट, यानी उस समय आप स्कूल क्लोज करेंगे। यस, जैसे स्कूल क्लोज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप फॉर्म पे किस पर आएंगे, कैसे करके बच्चों को आप हैंडल करेंगे? अगेन वी विल डू गो फॉर द सेम थिंग, स्क्रीनिंग होगी प्रॉपर, अगेन वही ट्रस्ट वर्क फिर से काम करना शुरू करेगा, कहीं ना कहीं ऑनलाइन, ऑब्वियसली ऑनलाइन में जाएंगे। यस 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 मैम, अभी एक बात बताइए कि ये ऑनलाइन जो अभी बच्चों के लिए जो चल रहा है प्री स्कूल में, तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग प्री स्कूल लेवल पे एक्चुअली हेल्प करता है? सर अगर बच्चे ने हमारे साथ में लेट्स सपोज 2 महीने निकाले हैं, फिर उनको अगर हमें ले जाना है ऑनलाइन मोड में, तो इट बिकम्स ईजी, राइट? वो फिर भी अपनी टीचर से 1-to-1 कनेक्ट कर लेता है। बट एकदम से अगर बच्चा जो आ रहा है, लेट्स सपोज 2.5 साल का बच्चा आ रहा है हमारे सामने प्ले ग्रुप में, और अगर हमको उसको ऑनलाइन में बिठाना है, तो थोड़े चैलेंजेस डेफिनेटली हैं उसके साथ में। अनु जी, मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगा, ऑनलाइन एजुकेशन प्री स्कूल के बच्चों में आपको कितना वायबल लगता है? देखिए घर पर बैठाने से तो बेहतर है कि कुछ तो बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहा है, ठीक है, ऑफलाइन का वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, लेकिन एकदम बंद करने से वो बेहतर है, बच्चे थोड़े बहुत तो कुछ सीख रहे हैं। जी, तो बच्चे थोड़े बहुत तो सीख रहे हैं, लेकिन सर फिर बात वहीं पे आ जाती है जी, जब एजुकेशन ऑनलाइन हो जाता है फिर पेरेंट्स पूछने लगते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ओके, लेकिन फीस ऑफलाइन के बराबर, ये कहाँ तक? देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो फीस का जो एक डिफरेंस बनाया गया है, ऐसा कुछ चर्चा में भी नहीं आना चाहिए, मेहनत हमारी टीचर्स ऑनलाइन के
एजुकेशन में ऑफलाइन से ज़्यादा मेहनत है, उनकी जो तैयारी होती है एक घंटा पढ़ाने के लिए उनको पाँच पाँच छः छः घंटा तैयारी करनी पड़ती है, तब जा करके वो एक घंटा ऑनलाइन पढ़ा पाती हैं। पूरे वो तीन घंटे का जो उनका ऑफलाइन का मॉड्यूल होता है जो ऑफलाइन पढ़ाती हैं उसको एक घंटे में करना, कितने तरह के वीडियो बनाना, तो उनको कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन सर जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसमें तो आपके भाई अगर अगर ऑफलाइन हो रहा था तो आपका बिल्डिंग इस्तेमाल होता था, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा था, तो उसकी जो है कहीं ना कहीं कॉस्टिंग आप लोग ले लेते थे, तो बात समझ। लेकिन अभी तो फिलहाल वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि उसका पैसा हम क्यों भरें। सर मोड चेंज हो गया ना। हाँ जी, ऑनलाइन में हम लोग अपना नेट भी दे रहे हैं जी, ओके। हम लोग कितने सारे टीचिंग एड्स बनवाते हैं टीचर्स के साथ में बैठ करके, कितने सारे वीडियोस हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें भी खर्चा इक्वली जाता है। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों बात सही है कि स्कूल्स तो कहीं भी अपना खर्चा देखा जाए तो भाई बिल्डिंग तो उसी जगह पर रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वैसे ही आना है, हाउस टैक्स वैसे ही आ रहा है, तो फिर स्कूल्स भी फिर पूछती हैं कि साहब हम करें तो क्या करें, कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को कहीं ना कहीं तो शेयर करना पड़ेगा और वो तो फीस से ही होने वाला है। अब बात ये आती है कि पेरेंट्स का भी तो कुछ कहना है, पेरेंट्स का कुछ मानना ये है कि भाई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, प्री स्कूल का बच्चा है, प्री स्कूल अगर देखा जाए तो प्री स्कूल भेजते इसलिए थे कि उनका मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता था जहाँ पर बच्चा जो है वो हर तरीके से जिसको कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास वो हो पाता था। अब जब घर पे बैठ गए तो क्या किया जाए, तो आइए बात करते हैं पेरेंट्स से, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका प्री स्कूल्स का फीस स्ट्रक्चर और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में क्या कहना है। तो पेरेंट्स जैसा कि आपने सुना कि प्री स्कूल एसोसिएशन का और प्री स्कूल ओनर्स का ये कहना है कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही ना इस्तेमाल हो रहा हो लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और थोड़ा सा हमको वाइड करना पड़ता है जब हम ऑनलाइन मोड में चले जाते हैं। सोचिए जो मैन आवर्स लगती थी एक टीचर को एक कंप्लीट एक लेसन को प्रिपेयर करके स्टूडेंट को बताने में, अब उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उनको ऑनलाइन क्रिएट करना पड़ता है, ऑनलाइन मटेरियल्स क्रिएट करनी पड़ती है, तब जाके आज आपके बच्चों को पढ़ा पाते हैं। तो इस पे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलना कहाँ तक वाजिब है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब ऑनलाइन हो जाता है तो आखिर ऑनलाइन सेशंस में दिक्कत कहाँ है आप लोगों को। हेलो, माय नेम इज़ शिप्रा वर्मानी और मेरी बच्ची है 3 साल की, वो भी पढ़ रही है प्री स्कूल और है, और मैं ये समझती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए स्पेशली बिल्कुल भूल नहीं है, बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल एंड शी डज नॉट सिट एट वन प्लेस एट ऑल। और मैं समझती हूँ कि पेरेंट होने के साथ साथ, मदर होने के साथ साथ टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है ये ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना। हमारे लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि कई बच्चे एक जगह नहीं बैठते हैं और उनको पूरे कमरे में बिठाना, उनको खिलाना, उनको ब्राइब करना कि बैठो, वो नहीं हो सकता। इतना छोटा बच्चा नहीं बैठ पाता है, कुछ बैठ जाते हैं, चुनिंदा होते हैं, लेकिन सब लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो वहाँ फेस करना पड़ता है एक पेरेंट को भी चैलेंज एज वेल एज टीचर्स, बिकॉज वहाँ बैठे बैठे टीचर्स ना छू पा रही है, ना डरा पा रही है, ना प्यार कर पा रही है, कुछ नहीं मिल पाता, तो टीचर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। हम समझते हैं कि ये दोनों के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हम दोनों को मिलकर करना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा समय जो आया है। लेकिन मैम एक चीज पूछना चाहूंगा, घर पे आपकी मेड आ रही है कि नहीं आ रही है? फुल टाइम आप मेड के ऊपर, फुल टाइम मेड है, और उस मेड के पास आप अपना बच्चा छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं? जी। तो अब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, घर पे मेड को बुला रहे हैं, वो मेड 10 घरों में जा रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है जिस कारण से आपने अपने बच्चे को प्री स्कूल नहीं भेजा कि बच्चा वहां पे जाके कोरोना ना कैच कर ले? आपकी मेड तो 10 घर में जाती है, इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी मेट बाहर के घर से कोरोना लेके आपके घर में नहीं आ रही, आपका बच्चा क्या वहाँ पे सुरक्षित है? तो प्रश्न है कि क्या मेट प्री स्कूल से ज़्यादा सुरक्षित है? मेड्स हमारे घर आती हैं, बहुत घर जाती हैं, हमें इस बात की चिंता होती है ज़रूर, क्योंकि बच्चों को इस समय इतना मुश्किल का दौर है, उनको कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा है खेलने को, तो वो बेचारे जो नया आदमी आता है, नया चेहरा आता है, उनके पास आ जाते हैं उनसे बातें करने के लिए,
हमें बहुत चैलेंजिंग लगता है कि कैसे दूर करें, और इनह्यूमन लगता है कि दूर हटो, मत रहो इनके पास, दूर नहीं बोल सकते हैं, तो वो चैलेंजिंग है फॉर श्योर। बट देन हमारे को फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि हम स्कूल भेजें, कहीं ना कहीं लगता है कि स्कूल के बिना बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चों का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जी, मैं कविता अस्थाना, मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, और मेरा ये कहना है कि ठीक है कोविड है, बहुत सारे रिस्क हैं, सिचुएशंस हैं, बट वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। एंड जैसे हम बाकी सारे काम अपने कर रहे हैं, जॉब्स चल रही हैं और सारे फंक्शन, सारे आउटगोइंग्स चल रही हैं, तो हमें एटलीस्ट स्कूल की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज प्री स्कूल में बच्चा बहुत छोटा है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइक टीच हिम थ्रू ऑनलाइन मीडियम। एंड अगर बच्चा किसी तरह बैठ भी जाए, हम उसको कैसे भी करके बैठा लें, तो उसका दिमाग नहीं सेट होता है पढ़ाई पे, या तो वो पेंसिल से खेलेगा या कुछ कर रहा है, वो एक्वायर नहीं करता जो टीचर कम्युनिकेट करना चाहती हैं। वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने अपने बच्चे को डाला था तो कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन डाला था, बट देन मैंने देखा कि उसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि ऑफलाइन में जो बच्चा बिहेवियरल स्किल्स सीखता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द बिल्डिंग एज, द वेरी बेसिक एज। तुषार जी, अभी आपने सुना पेरेंट्स का कहना है कि भाई घर पे मेड जा रही है, लेकिन उनकी मजबूरी है, घर की जो मेड है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे तो संभालती नहीं है, वो कई और भी काम जो है साथ में करके दे रही है, और कहीं ना कहीं क्या होता है कि मेड्स इतने दिनों से आती जाती है तो होता क्या है कि उनके ऊपर एक ट्रस्ट एक अलग बन जाता है। अब वो दूसरी बात है कि कैमरा लगा दीजिए, सब कुछ लगा दीजिए, लेकिन ये जो मेड वर्सेस स्कूल का जो एक जो चलता है कंटिन्यूसली, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या ये नौबत आ गई है कि प्री स्कूल को मेड से खतरा है? देखिए, तो पहली चीज़ तो ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए, ना मेड को हमसे खतरा है, ना हमें मेड से खतरा है। आप बतर नहीं कर सकते, मेड वो कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन साथ में तुषार जी मेन प्रश्न तो यही है कि आज के दिन में कोरोना के वजह से कह लीजिए जो बच्चे घर पर हैं वो मेड्स के भरोसे ज़्यादा है। सो यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चा मेड के साथ है, उसे जहाँ होना चाहिए दैट इज़ द प्री स्कूल, वहाँ पे वो पहुँच नहीं रहा है। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो 90% पेरेंट्स पहले 15 दिन के अंदर ही बच्चे को स्कूल में भेजना शुरू कर दिए, और महीना बीतते बीतते लगभग 100% बच्चे ऑफलाइन मोड को अडॉप्ट कर चुके थे, और उसका बच्चों के अंदर बेनिफिट भी दिखने लगा। 5 महीने करीब ऑफलाइन मुझे लगता है हम लोगों ने चलाई, और अब ओमिक्रॉन की वजह से उसको एक्सटेंड किया गया है और ऑनलाइन मोड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मेरा मानना सिर्फ एक है, पेरेंट्स के लिए मेरी जो एक सजेशन रहेगा इसके लिए, जैसे 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने कहा था, नॉलेज जहाँ से मिले बटोर लीजिए। सिंपल है, इस समय अगर आपको ऑनलाइन बोला जाए, गवर्नमेंट अगर कह रही है ऑनलाइन के लिए, आप ऑनलाइन को ऑप्ट कर लीजिए, गवर्नमेंट कह रही है ऑफलाइन के लिए, तो गवर्नमेंट ने देखा होगा कि यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है और इमिजिएटली ऑफलाइन को ऑप्ट कर लीजिए। तो तुषार जी, कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जितना ना खतरा आपको ओमिक्रॉन से, उससे कहीं ज़्यादा खतरा आपको गवर्नमेंट के लिए गए जो ऑल ऑफ अ सडन जो डिसीशंस हैं उसकी वजह से। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से डिसीशन तो बहुत कड़े तरीके से आ चुका होता है, एकदम से आता है कि भाई रातों रात स्कूल बंद, रातों रात कॉलेजेस को बंद कर दिया जाता है, संस्थाएं बंद हो जाती हैं। कहीं ना कहीं उसका जो सारा लोड है, उसका जो सारा प्रेशर जो है वो संस्थाओं पर और परिवारों पर सीधे सीधे आ पड़ता है। प्री स्कूल के अगर बच्चों की बात करें, ना पेरेंट्स तैयार हो पाते हैं कि भाई अचानक बच्चे को कल से भेजे कि ना भेजे, ये नहीं तैयार हो पाती है। उसी तरीके से प्री स्कूल्स नहीं समझ पाते कि एक्चुअली प्री स्कूल्स को बंद करना है कि नहीं करना है। एक और समस्या है दोस्तों, जब भी डिसीशंस आती हैं स्कूल्स के बारे में तो बातचीत होती है, लेकिन प्री स्कूल्स की कोई ऐसी गवर्निंग अथॉरिटी से कोई किसी प्रकार का इस प्रकार की गाइडलाइन ना इशू होती है, ना किसी भी प्रकार की स्कूल को चलना है नहीं चलना है, किस प्रकार से चलाना है, इसके प्रति भी कोई भी नॉर्म्स तैयार नहीं किए जाते।
तो प्रश्न ये है कि इस दरमियान जो प्री स्कूल एसोसिएशन है उनको क्या ठीक लग रहा है, आगे चल के कैसे करके लॉकडाउन वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस पेरेंट्स, ये जो वर्सेस की लड़ाई है वो कैसे लड़ा जाएगा? तुषार जी, देखिए ऐसी कोई किसी की लड़ाई नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट से लड़ाई है, ना हमारी पेरेंट्स से लड़ाई है। हम लोगों का सिर्फ एक सोल ऑब्जेक्टिव है, बच्चों की एजुकेशन। बच्चों को एजुकेशन देनी है, किसी भी तरीके से देनी है। एट द सेम टाइम सेफ्टी इज़ आर प्राइमरी कंसर्न, बच्चे सेफ रहें, हमारी टीम सेफ रहे और एट द सेम टाइम बच्चों को एजुकेशन मिले। सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है सोच समझ के लेती है, ऐसा नहीं है कि बस एकदम से उन्होंने कोई डिसीशन ले लिया। सरकार भी सोचती है और स्थिति को देखते हुए डिसीशन लेती है और उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। पिछले 2 साल से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन तुषार जी, ये प्री स्कूल की गाइडलाइंस आ कहाँ से रही हैं? देखिए प्री स्कूल की गाइडलाइंस अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो प्री स्कूल के लिए कोई भी सेपरेट गाइडलाइंस लाए। हमारी एसोसिएशन 2015 से लगातार इस चीज़ पर वर्क कर रही है। ड्राफ्ट हो चुकी है गाइडलाइन, बट अनफॉर्चुनेटली अभी उस पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। सो जैसे आएगी सो आपको सबसे पहले पता चलेगा, आई बिलीव मुझसे भी पहले। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएशन की जिम्मेदारियाँ तो इस हिसाब से तो ज़्यादा होनी चाहिए। 100% हमारी एसोसिएशन जैसे ही कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है, हमारी तरफ से गाइडलाइंस होती हैं अपने मेंबर प्री स्कूल के लिए और वो पूरी तरीके से हमारे हर मेंबर प्री स्कूल फॉलो करते हैं, जिसको हम SOPs बोलते हैं, और कोरोना के लिए भी हैं, उसके अलावा भी जब कोरोना नहीं भी होता है रेगुलर फीचर में क्या टीचर चाइल्ड रेशियो होना चाहिए, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें जैसे कैमरा, सेफ्टी सिक्योरिटी, फायर एग्जिट, नंबर ऑफ थिंग्स, वो सारी हम लोगों की अपनी बनाई हुई है जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती हैं। तो आपका कहना ये है कि प्री स्कूल एसोसिएशन, फिलहाल तो ये एसोसिएशन जहाँ तक मुझे पता है ये आप लोगों ने खुद ही आपस में मिलकर तैयार किया जी, तो क्या इसको रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि नहीं? देखिए ये रजिस्टर्ड बॉडी है, सन 2015 में हम लोगों ने इसको रजिस्टर कराई थी अंडर सोसाइटीज़ एक्ट। जैसे कि सारी एसोसिएशन रजिस्टर होती है, वैसे ये भी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। तो दोस्तों अब तक जो बातें हमने पेरेंट्स से की और स्कूल से की, तो हमें पता चला कि यहाँ पे कई ऐसे इश्यूज हैं जिसका अगर देखा जाए तो कोई क्लियर कट नॉर्म्स न होने की वजह से कन्फ्यूजन हमेशा रहती है। जी हाँ, प्री स्कूल्स ने आपस में मिलकर एक एसोसिएशन तो तैयार किया और बहुत खूबसूरती से किया है और इस वजह से शायद एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारे प्री स्कूल्स रन कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिक्कत ये भी आ रही है कि प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करने वाली कोई ऐसी अथॉरिटी अभी तक डिफाइन नहीं की गई गवर्नमेंट द्वारा। ये तो एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ जो कंसर्न्स हैं, जो पेरेंट्स के कंसर्न्स हैं, वो ये हैं कि आखिर बच्चों को किस तरीके से अब कैसे किया जाए, अगर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन नहीं देन व्हाट, बैठा के तो घर पे नहीं रख सकते ना। तो कहीं ना कहीं चैलेंज वहीं पे आ जाता है जब माँ बाप, हर माँ बाप आज व्यस्त हैं तो क्या करते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं वही मेट्स के भरोसे आ जा रहे हैं। इन दिक्कतों को देखते हुए पेरेंट्स की कुछ और भी दिक्कतें जो पेरेंट्स सामना करते हैं, आइए अब पेरेंट्स से पूछते हैं वो और कौन सी दिक्कतें हैं। तो पेरेंट्स, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रश्न, अगर बच्चे को भेजने में दिक्कत नहीं है, बच्चा आपका अब तक जिस भी प्ले स्कूल में या जिस भी फॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था वहाँ पे दिक्कतें नहीं थी, इसीलिए आप लोग रेगुलर भेज भी रहे थे, तो अचानक ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो रहा है और आप लोग नहीं भेज पा रहे हैं, हाइजीन पर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं, कहीं कहीं हमारे साथ कई पेरेंट्स ने फीस स्ट्रक्चर को लेके भी प्रश्न उठाया कि भाई फीस पहले के हिसाब से जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्तेमाल होता था, स्कूल की प्रीमाइसेस इस्तेमाल होती थी, तब भी उतनी और आज भी उतनी, उसको जस्टिफाई स्कूल्स कैसे करते हैं, ये सारे प्रश्न रह रहे हैं। आज के दिन में आपके लिए सबसे मेजर कंसर्न क्या है? नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, व्यान दुबे, 4 साल का है, 2 साल से मैं उसको भेज रही हूँ प्री स्कूल में और तभी से लॉकडाउन हो गया। जब उस बच्चे को अपनी टीचर की ज़रूरत थी, स्टडी की बेसिक की ज़रूरत थी, तब तो लॉकडाउन था, ऑनलाइन था, ऑनलाइन में वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। फीस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट है, ये
हो रहा है। आधे से ज़्यादा पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम फीस तो दे रहे हैं, उस तरह से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बट सर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो बच्चा है। बच्चे की साइकोलॉजी, जब वो पैदा हुआ उसके बाद उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो घर में बैठा है, वो कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन्स इससे कनेक्ट हो गया है, जबकि आपका चाइल्डहुड आपकी बुक्स, पेंसिल और कलर्स होनी चाहिए। लेकिन वो क्या देख रहा है कि मेरे को 9 o'clock बैठना है, लैपटॉप ऑन करना है, लैपटॉप के बटन्स जान चुका है। अभी उसकी एज वो नहीं थी, उसकी एज थी पेंसिल और इरेजर की, वो जो टीचर दे सकता है ऑफलाइन क्लासेस में ही। ऑनलाइन में टीचर्स बहुत कोशिश कर रही हैं, नो डाउट, बहुत वीडियोस, बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन बट पर्सनली मुझे लगता है जो मेरा बच्चा स्कूल में मैम के पास बैठ के 10 बच्चों के बीच में सीख सकता है, वो ऑनलाइन में उतना नहीं सीख पा रहा है। उसमें मेरा ही ज़्यादा एफर्ट लग रहा है कि आप बैठो, आप लिखो, मैम आपसे कुछ कह रही है, आपको कुछ बता रही हैं, बेटा देखिए, बट उसको इधर भी सुन रहा है, इधर भी सुन रहा है, वो सब इधर असर कर रहा है। वो क्या सुने क्या समझे वो क्लियर नहीं हो पा रहा, उससे अग्रेशन, उसके बोलने का तरीका, खेलना तो भूल ही चुके हैं बच्चे, वो घर की ही चीज़ें जानते हैं, मम्मा बोर हो रहा हूँ फ़ोन दे दीजिए, वो बाहर आउटडोर इंडोर का गेम ही नहीं जानते जो हमने अपने चाइल्डहुड में जिया है। गवर्नमेंट अगर कोई डिसीज़न लेता है तो वो सब पे अप्लाई होना चाहिए, मॉल्स में भी अप्लाई होना चाहिए, थिएटर्स में भी होना चाहिए, नॉट इन प्री स्कूल। हर वक्त स्कूल्स पे हो जाता है बच्चों को तुरंत बंद कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, प्रिकॉशंस निकालिए, बैचेस बनाइए। हम ट्रस्ट कर रहे हैं अपने स्कूल पे, मैं कुछ पेरेंट्स में से हूँ जो मैं ट्रस्ट करती हूँ अपने स्कूल पे कि वो प्रोटेक्शन के साथ मेरे बच्चे को हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है और कल को वो कोई और डिजीज़ लेके आ रहा है या मैं उस घर भेज रही हूँ, मैं भी उसका ध्यान रखूँगी, वो दोनों तरफ से होना चाहिए। बट प्लीज़ अगर आप कोई डिसीज़न लेते हो तो दोनों तरफ से लीजिए, क्योंकि वो असर कर रहा है बच्चों पे और बच्चे बहुत छोटे हैं। प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम आरती है, मेरी भी एक बेटी है और जब वह 4 साल की थी तब से ये लॉकडाउन हो रहा है। हम लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस करी है उसके बाद से कि स्कूल्स ओपन हुए, बच्चों को भेजना है तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, एक ये भी है कि जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके हम लोगों के पास कोई मतलब क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं मिल पाती हैं पेरेंट्स को कि अगर बच्चा वहाँ से कुछ लेकर आ रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम बोल सकें कि ये जो है वो प्री प्राइमरी स्कूल जो जा रहे हैं हमारे बच्चे वहाँ जाने से ऐसा कुछ हुआ। सेकंड, जो हाइजीन की बात होती है, स्कूल्स को भी पेरेंट्स को क्लियर करना चाहिए या उन्हें अपने ट्रस्ट में लेना चाहिए कि जो आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो उतनी ही हाइजीन हम भी आपके बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये चीज़ें वन टू वन इंटरेक्शन से भी जो है प्री प्राइमरी स्कूल पेरेंट्स को समझाएं ताकि वो उन पर ट्रस्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन क्लासेस का, तो ऑनलाइन क्लासेस में इतने नेटवर्क इशू रहता है, प्लस मैम जो मैम रहती है वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है कि वो जो बच्चे को पढ़ा रही है वो उस चीज़ को समझ भी रहा है क्या, उसने वो नोट डाउन किया, वो क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं, प्लस जो स्कूल टीचर हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत हद तक ऐसे भी सॉल्व की जा सकती है कि हम लोग आपस में इस चीज़ को समझें और एक सॉल्यूशन पर आएं कि आप क्या फेस कर रहे हो और हम क्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को नहीं होती है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स इसी चीज़ को फेस करते हैं और वो अपना ट्रस्ट स्कूल पर नहीं बना पाते हैं। My name is Avnish Tiwari. I am the resident of Krishna Nagar. And my basic question is with all the preschool owners is that if I have to send my child for online classes, why would I choose preschool only when I have the option of formal schools? Why would I choose preschools only? First of all, I have to pay fee, admission fee for a preschool, and then when I will go to the formal school, again I have to pay the admission fee. Why do I have to pay admission fee two times? तो बिल्कुल वाजिब सवाल है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि प्री स्कूल ही क्यों, जबकि फॉर्मल स्कूल्स में भी आज के दिन में प्री प्राइमरी सेक्शंस बना दी जा रही है। तो फिर पेरेंट्स का ये पूछना हो जाता है कि फिर हम दो दो बार फीस क्यों दें? बिल्कुल
बहुत सही प्रश्न है कि आखिर पेरेंट्स एक डिलेमा में रहते हैं कि फॉर्मल स्कूल्स और प्री स्कूल्स। इस हिसाब से तो प्री स्कूल्स की जो नेसेसिटी है या उसकी जो दरकार है वही सोसाइटी से ख़त्म हो जा रही है, क्या कहते हैं आप? वेरी वैलिड क्वेश्चन सर। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी, देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल स्कूल फ़ी स्ट्रक्चर एंड प्ले स्कूल फ़ी स्ट्रक्चर। ये तो फ़ी स्ट्रक्चर की बात होगी जिस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती। सबसे पहली चीज़ मुझे ये जाननी है कि जब आप एक प्ले स्कूल में अपने बच्चे को डालते हो उसकी एज होती है 2.5 साल की, करेक्ट? हम कहते हैं कि हमारी क्लास में जो टीचर और स्टूडेंट रेशियो होता है वो होता है 15:1, आई गेस, राइट? नॉट मोर देन दैट, वी नेवर एक्सीड, इसके आगे हम कभी नहीं बढ़ते हैं। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपने कोई भी फॉर्मल स्कूल का प्ले ग्रुप का सेक्शन देखा है जिसमें 30-35 स्टूडेंट्स हैं एंड देर इज़ वन टीचर? मैं आज तक सोचती हूँ कि कैसे डील करती होगी वो टीचर विद 35 माइंड्स, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो आई डोंट थिंक सो कि जहाँ पर ब्रेन के डेवलपमेंट की बात हो रही है तो पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो खुशी खुशी हमको जो अमाउंट हम मांग रहे हैं वो हमें दे देंगे। एंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रेन को टू फाइट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज़ फॉर्मल स्कूल, जहाँ पर विदाउट प्रिपरेशन अगर आपका बच्चा बैठा हुआ है अमंग दोज 35 स्टूडेंट्स तो वो लॉस्ट है, बिलीव मी, क्योंकि हम प्रिपेयर करते हैं अपने बच्चे को। प्री स्कूल उसकी बेसिक चीज़ों को प्रिपेयर करता है कि हाउ यू हैव टू स्पीक, हाउ यू हैव टू इंटरैक्ट विद योर टीचर, हाउ यू हैव टू टेक द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर टीचर। सिर्फ एक ABCD या 1, 2, 3, 4 के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर प्री स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तुषार जी, बात वही है, कहीं ना कहीं फॉर्मल स्कूल वर्सेस प्री स्कूल। अब बात यह है कि भाई फॉर्मल स्कूल्स ने जो है वहाँ पे 35 बच्चे भर रखे हैं, सर मौका मिले तो हर एक प्री स्कूल भी यही चीज़ करेंगे, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो कि इस बात को डिफाइन करे कि एक पर्टिकुलर क्लास में आखिर बच्चे कितने होने। तुषार जी, इसी के साथ साथ एक और प्रश्न है आपसे, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप लोग ये कहते हैं कि प्री स्कूल एसोसिएशन एज अ प्री स्कूल एसोसिएशन, आज के दिन में आप वाकई चिंतित हैं कि प्री स्कूल एज अ बिजनेस वो भी ख़त्म होती चली जा रही है और इसकी भी चिंता आप लोग को लगी हुई है, तो एज एसोसिएशन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप लोग एज एन जितने आपके जो स्कूल्स हैं आपके अंडर में वो लोग एरिया डिवाइड कर लें कि इस एरिया के बच्चे इसी एरिया तक जाएंगे, इस तरीके से कुछ और जो प्री स्कूल्स हैं वो भी सस्टेन कर पाते? दोनों सवालों का उत्तर दूंगा मैं। पहली चीज़ तो ये कि फॉर्मल स्कूल और प्री स्कूल के, जैसे आपने बात कही कि प्री स्कूल को भी मौका मिलेगा तो 35 बच्चे अपने क्लास में रख देंगे, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है इसलिए नामुमकिन है क्योंकि हमारी जो प्री स्कूल एसोसिएशन है बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि एक टीचर चाइल्ड रेशियो है, उसको फॉलो करना है तो करना है, उसका कोई और एस्केप नहीं है उसमें, और जिसके लिए हम लोग लगातार इस चीज़ का डिस्कशंस भी करते हैं और हम लोग क्वालिटी चेक भी रखते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि प्री स्कूल एसोसिएशन, ये तो आपका लखनऊ में, हर एक शहर में तो है नहीं? देखिए हर एक शहर में भले ही नहीं है, लेकिन प्री स्कूल जो है वो बहुत ही छोटा सेटअप होता है। प्री स्कूल के क्लासरूम्स भी आप देखेंगे ना तो छोटे होते हैं, वो इसीलिए छोटे बनाए जाते हैं ताकि कम बच्चे हों, एक ग्रिप में रहें और टीचर एक सेकेंड में उसके पास पहुँच पाए, इसीलिए हर टीचर के पास छोटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहता है। सो ये मुझे नहीं लगता जहाँ पर प्री स्कूल एसोसिएशन हो या ना हो वहाँ पर ये टीचर्स और प्री स्कूल जो हैं ओनर्स वो इस चीज़ का 100% ध्यान रखते होंगे। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका जो था दैट इज़ कि क्या ऐसा ना कर लिया जाए कि हम लोग आपस में डिवाइड कर लें एरियाज और ये सारी चीज़ें, ये ना अपने आप डिवाइड हो जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। एक पेरेंट जो होता है अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता है प्री स्कूल, तो प्री स्कूल का जो ड्यूरेशन होता है वो करीब 3 घंटे का होता है। कोई भी पेरेंट 20 किलोमीटर दूर नहीं भेजेगा अपने बच्चे को, इसलिए क्योंकि अदरवाइज 2 घंटे तो उसको ट्रैवल में ही लग जाएगा। सो ट्रैवल टाइम बहुत, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ब्रांड भी एक चीज होती है।
नहीं तो क्या कारण है कि आप अपने प्री स्कूल को अपना नाम देके नहीं वरन चलाते यूरो किड्स, आपने लिटिल मिलेनियम लिया है, तो फिर अगर ब्रांड अगर कोई बात ही नहीं होती फिर आपने फ्रेंचाइजी ली क्यों? उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ. आई हैव आंसर फॉर योर क्वेश्चन. एवरीवेयर यू सी नंबर ऑफ ब्रांड्स, राइट? There are 20 branches of a particular branch. There are 50 branches for a particular branch. But how many are actually able to sustain in this period? So parents को भी पता है कि किस branch में जाना है उनको. Parents बहुत smart हैं. Parents अपना speed work करते हैं. Parents उन parents से बात करते हैं जो उन schools में बच्चों को पहले पढ़ा चुके हैं. So parents are very smart. They do their homework and brand is there certainly. उसमें कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं कि इंटर स्कूल ट्रांसफ़र वगैरह करना बड़ा आसान हो जाता है, शायद उस वजह से पेरेंट्स ऑप्ट करते हैं ब्रांच को. अदरवाइज इंडिविजुअली जो लोग प्री स्कूल रन कर रहे हैं उनके भी प्री स्कूल बहुत अच्छे होते हैं. आप ये मत सोचिए कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, सिर्फ ब्रांच ही अच्छे हैं. तो बोथ आर इक्वली गुड. लेकिन तुषार जी, हालांकि मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि ब्रांड्स डू मैटर, चाहे वो फॉर्मल स्कूलिंग पे क्यों ना आ जाए. क्या ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा स्कूल, या मैं कहना चाहिए कि कॉन्वेंट स्कूल, किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं, हर जगह पे, हर एक एरिया में कोई ना कोई ऐसा स्कूल होता है जो अपने आप में वहाँ के लिए एक अच्छा स्कूल माना जाता है. लेकिन उसके बावजूद जब हम फॉर्मल स्कूलिंग की बात करते हैं तो जिसे जिस ब्रांड के साथ जाना होता है वो उस ब्रांड के साथ जाता है. स्कूलों में देखा जाता है इसीलिए दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए. फ्री स्कूल्स भी कहीं ना कहीं ब्रांड डेफिनेशन इसीलिए उठाते हैं. दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड रहा उसका मेन उद्देश्य ये था ताकि हम आपको बता सकें कि जो प्री स्कूलिंग है, जहाँ पे ये बहुत क्रूशियल जगह है, बच्चा जब पहली बार घर के दहलीज के बाहर पाँव रखता है और उस समय वो तैयारी करता है फॉर्मल स्कूलिंग के लिए, तो वो उसकी पहली जो झलक होती है बाहर की दुनिया की उस प्री स्कूल के माध्यम से होती है. जो टीचर और बच्चे में जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है वो उस बच्चे को सीखने को मिलता है. धीमे धीमे वो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता हुआ बच्चा दूसरों पर भी ट्रस्ट करता है. इसी तरीके से जब वो फॉर्मल स्कूल में जाता है उसकी जो कंपैरेटिवली जो अडेप्टेशन होती है वो इजी हो जाती है. दोस्तों, चुनौतियाँ आती रहेंगी. आज कोरोना का कोई फॉर्म है, कल दूसरा होगा. लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि हर एक बिजनेस इंस्टीट्यूट का, माफ करिएगा, एजुकेशन को जब भी मैंने बिजनेस कहा है तो कई जगहों से मेरे पास कुछ ऐसे फीडबैक्स आई हैं जो कि बड़ी नेगेटिव रही. सर, आप एजुकेशन को बिजनेस के तौर पे, सर मैं एजुकेशन को बिजनेस कहने में जरा सा भी कोताही नहीं बरतता और मुझे लगता है किसी बात को बिजनेस कहने से हमें कोताही नहीं करनी चाहिए. बिजनेस इज नॉट बैड, लेट द एजुकेशन रन एज अ बिजनेस, बट यस एज अ हेल्दी बिजनेस जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग ही सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ना हो. बहुत जरूरी होता है हम अपने बच्चों को जब कहीं पे छोड़ के आते हैं, जिसके भरोसे पे छोड़ के आते हैं, वहाँ से हम अपने बच्चे को एक स्वस्थ मस्तिष्क और एक स्वस्थ शरीर के साथ वापस अपने घर की दहलीज में ले जाएं. और इसी को देखते हुए प्री स्कूल्स की जो दरकार है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती चली जाए. आज इस एपिसोड को देखने के बाद अगर आपके मन में प्री स्कूल से रिलेटेड कोई भी जिज्ञासा है, कोई ऐसे प्रश्न है, कोई ऐसे डाउट्स हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं. अब हम चलते हैं स्टूडियो में शिमुल के पास. ओवर टू यू शिमुल. तो दोस्तों, आज हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किए. ये वही जगह है जहाँ पे बच्चों की किलकारियाँ एक समय गूंजती थी, लेकिन आज ये झूले खाली पड़े हुए हैं जहाँ पे ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से कितने प्यारे प्यारे चीज़ें बनाया करते थे अपनी टीचर्स के गाइडेंस से. आज मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बच्चे दूर दूर तक यहाँ है ही नहीं. ये बच्चों के झूले, ये याद आ रहे हैं हम सबको, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पे है ही नहीं. बच्चे घर पे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई अभी चल रही है, लेकिन बच्चों का मन भी यहाँ पे है. ये सारे झूले खाली पड़े हुए हैं. माँ बाप दोनों बिजी हैं अपने अपने कामों से और ये जो स्कूल है, ये जो क्लासरूम्स है, ये खाली पड़े हुए हैं जहाँ पे बच्चों की करेक्ट एडुकेशन, राइट एडुकेशन दी जाती है. तो मेरा सवाल आज आप लोगों से यही है
कि कोरोना तो आता जाएगा, तो ये जो एडुकेशन है क्या ये आप अपने बच्चों को दे पाएंगे? ये जो माहौल है राइट एडुकेशन, जो एक बच्चे का हक है, क्या आप अपने बच्चों को दे सकेंगे? तो कुछ ऐसी बातों के साथ हम आज के एपिसोड आज फिनिश करते हैं। देखते रहिए करियर काउच विद भयंकर एवरी संडे 9 PM ऑन प्राइम TV। टिल देन टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।